नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ कब है और करवा चौथ किस दिन पड़ेगी, तारीख क्या है 2024 में, सबसे ज़्यादा खास है करवा चौथ के बारे में। आपको दिन जो कि 20 तारीख है या 21 अक्टूबर करवा चौथ का व्रत जानेंगे, सही तिथि, चाँद निकलने का सही समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म में सुहाग से जुड़े व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन उपवास को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है और हिंदू धर्म में सुहाग से जुड़े व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन उपवासों को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है, साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है। सभी उपवास में से करवा चौथ के व्रत को अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण चांद निकलने तक किया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और इस साल 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्यतिपात योग के साथ कृतिका नक्षत्र का योग बन रहा है, जो व्रत की महत्ता को और अधिक बढ़ा रहा है। ऐसे में चांद की पूजा करना और भी अधिक लाभदायक होगा, जिससे कि व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आइए इस दिन चांद निकलने के समय को जान लेते हैं। तो सही तिथि जानते हैं कि करवा चौथ की तिथि चतुर्थी तिथि है 19 अक्टूबर 2024 को शाम को 6:17 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 20 अक्टूबर को दोपहर 3:47 पर होगा। और चांद निकलने का सही समय है, पंचांग के अनुसार करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर शाम को 5:46 से शुरू होगा और ये मुहूर्त शाम को 7:02 तक रहने वाला है। इस दौरान चांद निकलने का समय शाम को 7:44 का है। अब हम पूजा की विधि जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन पूजा आप किस तरीके से करते हैं। शुभ दिन पर ही सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए, फिर मन में निर्जला व्रत का संकल्प ले। इसके बाद मुहूर्त के अनुसार तुलसी के पास बैठकर दीपक प्रज्वलित करके करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें, फिर पूजा की तैयारी शुरू कर दें। और इस दौरान सबसे पहले एक थाली में फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, रोली को रखें। इसके बाद मिट्टी के बने करवा में चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें और साथ ही अपने रिवाजों के अनुसार दान के सामानों को भी रख दें। अब चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर चलने में जलता हुआ दीप रखकर चंद्र दर्शन करें और इसके बाद उसी चलने से पति का मुख देखें। आप पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें और इस दौरान आप घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। फिर पूजन में उपयोग हुई श्रृंगार की सामग्री और करवा को सास या फिर किसी सुहागनी स्त्री को दे दें और उनके पैर छू लें। तो ये थी कहा जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।